कट्टर साहब ने एक बात कहना चाह रहे हैं, आप अपने प्रशासन को साइड में हटकर और गम मा का दिखाओ, फिर दिखाओगे एक भी मंत्री एमएलए इनका गम तो सबूत लेकर दे दो। आने वाले टाइम में बेटियां बाहर निकलना तो बंद, पैदा ही होनी बंद हो जाएंगी, मतलब बड़े बेशर्मों का राज है, बेशर्म तक का गम में घुस रहे हैं। हमारे साथ किसान नेत्री हैं, लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते हुए आपने देखा होगा, आज सरपंचों के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रियंका खरगराम जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है। मैडम राम राम। राम राम। तो आज जो जींद के अंदर सरपंचों की महापंचायत उसमें पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सरपंचों के साथ तो हमारा लगातार समर्थन रहा है 7 महीने से, जब से पंचायत चुन करके आई है, पढ़ी लिखी पंचायत। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई पढ़ी लिखी और युवा पंचायतें होनी चाहिए और 50% महिलाओं को भी आरक्षण दिया था। तो जब पढ़ी लिखी और युवा पंचायत चुनकर आई है, तब से लेकर आज तक 7 महीने हो गए, सरपंच के हालात ऐसे हैं कि लगातार 7 महीना तो सड़का पर धक्के खाने लग रहे हैं और सरकार के द्वारा लठ भी खाने लग रहे हैं, क्योंकि जब गम के अधिकार जो 29 अधिकार ग्राम पंचायतों के थे, वो इस सरकार ने छीनने का काम करा। क्योंकि जैसे ही पढ़ी लिखी पंचायत की सरकार ने मांग करी थी, वह पढ़ी लिखी पंचायत आएगी तो पढ़ी लिखी पंचायत ही आवाज भी उठाएंगे, वह अनपढ़ गवार वाले पहले वाले सरपंच नहीं है कि जैसा आप तना शाही फरमान जारी करोगे ये मान जाएंगे। भाई पढ़े लिखे लोग चुनकर आए हैं, पढ़े लिखे लोग चुनकर आए, जो आप गलत करोगे उनके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे ये लोग। और लगातार 7 महीना तक ये लगातार पंचायतें होने लग रही है। और मैं सरकार को एक बात और कहना चाहती हूँ, भाई खट्टर साहब लगातार गांव में प्रोग्राम करने लग रहे, अपना जन संवाद करने लग रहे और उसमें हमारी महिला सरपंच भी अपनी चुनने तक उतार कर उसके पैरों में रखने लग रही, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी, क्योंकि महिला की एक लता आगरा है भाई, सबसे बड़ी इज्जत है और वह उतार कर इस खट्टर के कदमों में रखने लग रही, भाई हमारी इज्जत ना बकस दे और हमारे अधिकार हम ना दे दो, तो मतलब बड़े शर्म की बात है, बड़े बेशर्म लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। 6 बारी खट्टर साहब का दरवाजा बजा लिया हमारे सरपंच बातचीत खातर, लेकिन उड़े तो लठ मार कर दबा दिए गए, सिर फोड़ कर दबा दिए गए। लेकिन खट्टर साहब ने एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप जो गांव में संवाद करके ना रहे, क्यों मैसेज फैला रहे कि भी सरपंच का आंदोलन खत्म हो गया, तितर बितर हो गया, ये तो केवल अपना घर भरण खातर लाग रहे। खट्टर साहब ने एक बात कहना चाह रहे हैं, आप अपने प्रशासन को साइड में हटकर और गांव में आकर दिखाओ, फिर दिखाओगे एक भी मंत्री एमएलए इनका गांव में तो सबूत लेकर दे दो। प्रशासन के बलबूते जन संवाद करने लग रहे हैं। और भाई हम खट्टर साहब ने एक बात और कहना चाह रहे, भी हमारे सरपंच का ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हो आप, भी सरपंच का आंदोलन खत्म हो गया, यो बैम अपने दिमाग के अंदर पाले रखना, क्योंकि जब 2024 आवेगी, जब सारा वर्ग इकट्ठा होकर इनके जड़ मूल खोदने का काम ये सरपंच करेंगे, क्योंकि जब गिद्दड़ की मौत आकर ना गम्मा की तरफ भाजा करे, अरे गम्मा की तरफ भाजेंगे और भाजन भी लाग रहे, जन संवाद करने लाग रहे, इनका विरोध भी करने लाग रहे, मतलब बेशरम होकर तो गम्मा में बेशक घुस जाओ, जिस गांव के लोग काला झंडा ठाले और विरोध करने खातर जूते की माला ठाले उस इंसान खातर और वो प्रशासन का बलबूता धक्का गांव में घुसे, तो मतलब बड़े बेशर्मों का राज है, बेशरम धक्का गांव में घुस रहे हैं, प्रशासन का बलबूता है, प्रशासन का दम लेकर गांव में घुस रहे हैं, प्रशासन को साइड में हटाओ, इनको जवाब देंगे गांव के लोग, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। जी आपने लगातार बात की है लाठी चार्ज की, पंचकूला में सरपंचों पर हुआ, अगर बात उस दिन पहले ही करें, जो देश की बेटियां थी मान सम्मान बढ़ाया था, आप भी लड़की हैं, बेटी हैं देश की, उनको भी खींच खींच कर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए खींच खींच के नहीं, मैं कहूँगी कि इतने बुरे हालात थे, इतनी निंदनीय घटना थी कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ उस घटना के बारे में, मतलब देश के लिए जो मेडल लेकर आते हैं वो जब तो देश की शान होते हैं, जब वो किसी एक घर की बेटी नहीं होती, लेकिन आज जब उस बहना ने हमारी बहना ने जब आवाज उठाई कि भाई आपकी फेडरेशन के अंदर जो अध्यक्ष बैठे हैं वो हमारा शोषण करने लाग रहे हैं, हमारी बाणा की इज्जत पर डालन लाग रहे हैं, क्योंकि नाम उनकी सरकार के मंत्री का आ गया, इसलिए आज सरकार चुप है। यदि विपक्ष का कोई नेता होता तो आज तक उसके राहुल गांधी की आपने देखी होगी सदस्यता तक रद्द कर दी थी बिना किसी वजह के, लेकिन एक ऐसा मंत्री जिसके ऊपर ऐसे संगीन और गंभीर आरोप हमारी बहन बेटी लगा रही, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो मतलब कौन सा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इस नारे का कोई औचित्य नहीं है, प्रधानमंत्री जी को यह नारा वापस लेना चाहिए अपना, और देश के अंदर यदि यही हालात रहे तो मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले टाइम में बेटियां बाहर निकलना तो बंद, पैदा ही होनी बंद हो जाएंगी, यही कारण है कि बेटियां लोग पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि बेटियों की इज्जत नहीं है, सरकार के पास कोई सुरक्षा नहीं है कि बेटियों की सुरक्षा कर सके, जब गोल्ड मेडल लेकर आने वाली लड़कियों के साथ यह हालात है तो आम लड़कियां सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, हर मिनट में बलात्कार होते हैं, किसी को मीडिया कवर करती है, किसी को नहीं कर पाती है, लेकिन बड़ी निंदनीय घटना थी, एक तरफ तो लोकतंत्र के बहुए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है,
का उद्घाटन किया जा रहा और दूसरी तरफ उसी सड़कों पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, इज्जत नीलाम की जा रही, इज्जत को सरेआम सड़कों पर घसीटा जा रहा। बड़े शर्म की बात है, बेशर्मों का राज है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आना वाला टाइम में सारा वर्ग इकट्ठा होकर इनको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद प्रियंका जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो सरपंचों के जो महापंचायत उसमें पहुंचे हैं, लगातार आप किसानों के लिए भी संघर्षरत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, लगातार दो योजना से हम गांव प्रग्राम जी में सरपंच है, पिछली योजना भी और अब की बारी योजना भी। क्या मैं आपको बताना चाहूँ, जो सरकार की गलत नीतियां ना उन सबको समझ चुके हैं। सरकार बार बार एक ही नारा दे रही है विकास का, डिजिटलता का, लेकिन उस डिजिटलता के नाम पर यहाँ पर जो गांव देहात में जो हमने एक मतलब ये आंदोलन शुरू करना पड़ा, वो किस लिए शुरू करना पड़ा? डिजिटलता के नाम पर सरकार यहाँ पर गांव देहात को खत्म करना चाहती है। जो 73वें संशोधन की 11वीं सूची में सरपंचों के जो 29 अधिकार है वो तो सरकार ने सारे ही छीन लिए हमसे। हमारे पास सिर्फ एक जो हमारे रिहायशी प्रमाण पत्र इनके ऊपर स्टैंप लगाने की वो रह गई है, और फिर उसके बाद सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के नाम पर हमें बांटने का काम सरकार करी है। यहाँ सरकार को बताना चाहती हूँ, राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारी 29 अधिकारों की लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत कर ही रहेंगे। यहाँ बार बार सरकार ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करी, हम ये करें हम वो करें, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो सरकार नारे दे रही है ठीक उसके विपरीत सरकार काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दिया, यहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर 2 साल इलेक्शन लेट करवाए, और उसके बाद सरपंची में जो हुआ वहाँ भी महिलाओं का लाठियों से स्वागत किया गया, और यहाँ जो गोल्ड मेडल बेटियां लेकर आ रही उनको भी रोडों पर जैसे कचरे के बोरे को घसीटते हैं ऐसे घसीटा गया, तो कहाँ लोकतंत्र बचा है यहाँ? लगातार पहले पिछले प्लान में सरपंच रहे हैं, फिलहाल क्या कदम उठाएगा? देखिए हमारी जो स्टेट बॉडी जो भी निर्णय लेगी उसमें हम इनके साथ हैं, और मैं तो यहाँ कहूंगी भाई आप यहाँ पर समय खराब करने की बजाय अपने अपने गाँव में ऐसे बोर्ड लगाए भाई जहाँ पर इनका घुसना ही नामुमकिन हो जाए, और 2024 में क्योंकि और कोई उपाय नहीं 2024 में वोट की चोट से हम इन्हें बदल सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदल कर यहाँ पर अपने गांव देहात को बचाने के लिए हमें 2024 में वोट की चोट करनी ही करनी होगी। तो आप देख सकते हैं लगातार यही ऐलान किया जा रहा है कि 2024 में इन्हें बदल कर रहेंगे, तो लगातार वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहें हमारे साथ।